भरतपुर जिले में तो कामा अवश्य बनेगा। बिल्कुल, भरतपुर में आज की तारीख में अगर जिला कोई बनना बनना चाहिए तो कामा ही बनना चाहिए, और यही यही ओपिनियन आपकी मंत्री जी भी रखती हैं, और यही उन्होंने श्री अशोक गहलोत जी को भी बताया है और लोहिया जी को भी। जैसा हम हमारे पास कई रास्ते हैं जिला बनवाने के कामा को, हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, और अगर ऐसी नौबत आ जाए जहाँ पर हमारे पास कोई और रास्ता ना बचे तब हम धरने के बारे में सोचेंगे, मगर अभी ऐसा नौबत नहीं आई है। कामा को जिला बनाने की काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है और कामा कस्बा के प्रसिद्ध लाल दरवाजा पर धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, जहां सर्व समाज के लोगों द्वारा प्रतिदिन पहुंचकर धरने को अपना अपना समर्थन दिया जा रहा है। वहीं लोगों द्वारा क्षेत्रीय विधायक एवं शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान पर भी आरोप लगाए हैं कि वह जिला बनाने के लिए समर्थन नहीं कर रही हैं और वह धरने पर अब तक शामिल नहीं हुई, न ही उन्होंने जिला बनाने को लेकर अपना पक्ष रखा है, जिसे लेकर आज पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम साजिद प्रधान से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से कामा को जिला बनाने के लिए क्षेत्रीय विधायक और शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है और क्या कहना चाहते हैं जिला बनाने को लेकर। आपका स्वागत है पहले। शुक्रिया। देखिए, जैसे प्रदर्शन चल रहे हैं अभी, वो एक तरीका है अपनी बात रखने का। वो धरना करना चाहते हैं, वो सरकार के ख़िलाफ़ बोलना चाहते हैं और उस तरीके से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। मंत्री जी का तरीका वो नहीं है। हमारे संबंध सरकार में अच्छे हैं, हमारा बहुत चौधरी साहब के टाइम से ही वजूद बहुत अच्छा है। वो सीधा गहलोत साहब से बात कर चुकी हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में अपना ओपिनियन रख लिया है, सभा में भी उन्होंने बात करी है, और कामा ज़रूर इंशाल्लाह जिला बनेगा, और बनेगा तो वो इसी तरीके से बनेगा कि आपने जो प्रॉपर चैनल्स हैं, जो सरकार का तरीका होता है, आपने तमीज़ से अपनी बात रखी, ना कि आप किसी से बदतमीज़ी करो और फिर आप धमकियां दो कि आप इस्तीफ़ा दे दोगे अगर कोई ऐसा नहीं हुआ। बंदूक के नोक पे सरकार नहीं चलती। उन्होंने जितने भी अपने कामा के लोग हैं, कामा के वासी हैं, उनकी बात अच्छे से रखी है राजस्थान सरकार के सामने, और इंशाल्लाह ये ज़रूर ज़िला बनेगा। और रही बात कि हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ये बेबुनियाद पॉलिटिकल अटैक है जिनकी कोई रियलिटी नहीं है। ये धरने पे बैठना चाहते हैं, ये बस अटेंशन के लिए कर रहे हैं, कुछ थोड़ा मीडिया में आ जाएं, हमारा नाम भी बस इसलिए लेते हैं ताकि थोड़ा और बस मीडिया में इनका नाम आ जाए। उसके अलावा इनका कोई वजूद नहीं है, ना इनका कोई इन्फ्लुएंस है। तो हमारी इतनी लाचार पोजीशन नहीं है कि हम वहाँ पर जाके इस्तीफ़ा की धमकियाँ दें अपनी बात मनवाने के लिए। हम सीधी बात करते हैं, लोगों के हित में बात करते हैं और सुनते हैं, फिर गहलोत साहब भी सुनते हैं और जनरली जो मिनिस्टर्स हैं राजस्थान सरकार के वो भी अग्री करते हैं। जिला बनाने को लेकर हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष राम लोहिया जी को बनाया गया है। क्या राम लोहिया जी से मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा है? बिल्कुल, उन्होंने पर्सनली भी बात करी है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसमें कुछ अच्छा ही आउटकम निकलेगा। तो अब यही तरीका होता है, अब ब्यूरोक्रेसी में साथ लेके चलिए, सबसे बात करते हुए चलिए और सबको मनाते हुए लेके चलिए, ये धमकियाँ देने से कुछ नहीं होता। कामा में इतने दिन से धरना चल रहा है और धरने पर लोग ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक धरने पर आए और लोगों को आश्वासन दे। धरना तब देता है आदमी जब उसके पास कोई और विकल्प ना हो, जब उसकी बात सुनी ना जा रही हो, जब उसका उसकी बात को कोई महत्व ना हो, तब वो धरने पे बैठा है जब लाचार हो जाए। हम इतने लाचार नहीं हैं अभी। हमारे पास कई रास्ते हैं जिला बनवाने के कामा को, हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, और अगर ऐसी नौबत आ जाए जहाँ पर हमारे पास कोई और रास्ता ना बचे तब हम धरने के बारे में सोचेंगे, मगर अभी ऐसा नौबत नहीं आई है। अभी जिस तरीके सरकार में बात चल रही है, श्री अशोक गहलोत जी से बात चल रही है, लोहिया जी से बात चल रही है, पॉजिटिव ही है, और उनके जो रिस्पॉन्स हैं वो भी पॉजिटिव महसूस हो रहे हैं, तो हमें तो पूरी इच्छा है और आशा है कि ज़रूर बनेगा जिला। लेकिन लोगों का कहना तो ये है कि वो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो प्रयास उनके दिख नहीं रहे हैं। देखिए, ये उस तरह का प्रयास है जो आपको शायद फिजिकली ना दिखे, क्योंकि ये चर्चा होती है, ये बातें होती हैं, ये सभा में उन्होंने बोला है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं उन सब की। तो ये ऐसा बेबुनियाद बात है, क्योंकि ये तो मैंने खुद विटनेस किया है कि वो हर मंत्री से जाके जिस तरीके से उन्होंने बात करी है, और हमेशा कामा के पब्लिक की हित की बात सबसे पहले करी है। तो ये तो ऑपोजिशन वाले हैं, कभी भी कुछ ना कुछ बोलते ही। भरतपुर जिले में तो कामा अवश्य बनेगा। बिल्कुल, भरतपुर में आज की तारीख में अगर जिला कोई बनना चाहिए तो कामा ही बनना चाहिए, और यही यही ओपिनियन आपकी मंत्री जी भी रखती हैं, और यही उन्होंने श्री अशोक गहलोत जी को भी बताया है और लोहिया जी को भी। जैसा कि आप हमने आज पेपर में भी देखा है, मंत्री जी का स्टेटमेंट भी पेपर में आया है। जी बिल्कुल, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि मैंने अपने पिछले कार्यकाल से ही मैं अपना पक्ष रख लिया। ये कोई नया नहीं है इस बार का, मगर अब फाइनली पिछली बार भी जब बात टल गई थी थोड़ी सी, इस बात वापस से उन्होंने डबल पावर के साथ ये चीज़ वापस बोली, तो अब मेरे हिसाब से तो सुना जाएगा, पॉजिटिव आउटकम आएंगे, और इसी तरीके से कुछ कार्य हो जाते हैं। प्यार से आप बात करिए, आप रिक्वेस्ट करिए,
जबरदस्ती बदतमीजी के नारे लगाना और धरना करने से कोई रिजल्ट नहीं आता। आप बस अपनी लीडरशिप को एलिनेट करते हो। क्यों हम कामा को इतनी बुरी दृष्टि में दिखाएं? हम कांग्रेस सपोर्टर हैं, हम कांग्रेस में बिलीव करते हैं और हम अशोक गहलोत जी में बिलीव करते हैं, तो हम विश्वास रखेंगे उनमें कि उन्होंने अगर अपना आश्वासन दिया है तो करेंगे काम, जिला बनाएंगे। कामा को जिला बनाने को लेकर आप मजबूती से पक्ष रख रहे हैं? पूरा मजबूती से पक्ष रख रहे हैं और ज़रूर बनेगा जिला, ये तो हम बनवा के रहेंगे। ये सब सब हमारे पूरी पब्लिक की हित की बात है और ये तो हमारे अबाजी का सपना भी था, तो हम इसको तो पूरा करके ही रहेंगे। हम अपने तरीके से आवाज़ उठाएंगे और ज़रूर सुनी जाएगी। ये थे पहाड़ी पंचायत समिति के प्रधान साजिद खान, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कामा जरूर जिला बनेगा और कामा को जिला बनाने के लिए जो प्रयास किए जाने चाहिए वह प्रयास मंत्री जायदा खान की तरफ से किए जा रहे हैं।